हाय, मेरा नाम जाहिद खान है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मेरे कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन कभी वो हिम्मत जुटा नहीं पाया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इतने अच्छे से सजा के अपने दिल की बात कह नहीं पाता। एंड फाइनली मैंने सोचा दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट बिफोर इट्स टू लेट। तो मैं इनसाइड आउट ऑडिबल के माध्यम से कोशिश करूँगा मेरे ख्याल आप तक पहुँचाने को। सो I cordially welcome you to the Story Camp present Zahid Khan's Inside Out Season 1 के episode 1 में। आज इस episode में मैं बात करना चाहूँगा sacrifice यानी त्याग के बारे में। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी बिना त्याग sacrifice के हमें success नहीं मिलता। दुनिया में सभी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोड़ना यानी त्यागना पड़ता है, लेकिन उन सब में भारी पड़ता है एक लड़की द्वारा किया गया त्याग। यहाँ पर लड़की के संदर्भ में त्याग का मतलब समझौता भी हो सकता है। उन्हें बचपन से ही त्याग करना सिखाया जाता है। हम यूँ कहें कि ये विशेष गुण उनमें जन्मजात आ जाता है। यहाँ मैं आगे की बात गांव वाली जिंदगी की रोशनी में करना चाहूँगा। गाँव में बचपन में लड़के बाहर मौज मस्ती में खेलते कूदते हैं और लड़कियों को बाहर तक जाना मना होता है। लड़के बाहर रात को घूम सकते हैं पर इनका दिन में ही निकलना मुश्किल होता है। लड़के हाई स्कूल के बाद बड़े या छोटा शहरों में पढ़ने जा सकते हैं पर इनको हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं होते। अगर कोई लड़की कॉलेज चली भी जाती है तो वो कौन सी सब्जेक्ट से पढ़ेगी ये भी सुनना उसके हक में नहीं होता। फिर इनके मर्जी के बिना एक दिन इनकी शादी कर दी जाती है। कितनी लड़की होंगे जिनको अपने फैमिली के बारे में सोच के अपने प्यार को त्याग देना पड़ता है। ना जाने कितने सपनों की मौत हो जाती है अपने परिवार के खुशी के वास्ते। और शादी के बाद उस नए अनजान घर में खुश रहने का दिखावा करती है। उसे ये पता भी नहीं होती कब वो इतनी बड़ी हो गई, कब लड़की से बहू बन गई। उसका बचपन खत्म होता ही नहीं तब तक उसके हाथों में परिवार चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। घर में किस चीज की सब्जी बनेगी ये भी घर के पुरुष तय करते हैं। यहाँ तक के इलेक्शन में किसको वोट करेंगे ये भी अपने मर्जी से नहीं कर सकती। हर रोज ना जाने बिना बताए क्या क्या सहती है। फिर कुछ साल बाद अपने सुंदरता को त्याग के बच्चों को जन्म देती है। उस समय होने वाले दर्द को आप और मैं ना तो बयां कर सकते हैं ना ही महसूस। फिर खुद के सपने त्याग करके अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करती है। इस तरह से बचपन जवानी को त्याग करती है और जिंदगी के आखिरी पल में जिंदगी को त्याग करके हमेशा के लिए चली जाती है। ये हर किसी के बस के बात नहीं होती। ये सब देखकर सोचकर कभी कभी मुझे लगता है लड़कियों की जन्म सिर्फ त्याग के लिए ही हुआ है। आज यही पे खत्म करता हूँ। पूरा ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोगों की एडवाइस सलाह कमेंट्स में बताइएगा और इसे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे।